रिसेंटली BCCI ने ट्विटर पे एक फ़ोटो डाली थी जिसकी वजह से आप को थोड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पता है मैं क्या कर रही थी, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा मैंने आप सुन रही थी और मैं सबके रिएक्शन देख रही थी, सब लोगों की शक्ल में खुशी आ गई थी, सब लोग हाँ ओ माल। मैं बस यही कहूंगा कि पिक्चर में मैंने मैं बस कहूंगा कि पिक्चर में मैंने कुत्ते का भी किरदार निभाया है तो मैं काट भी सकता हूँ। सी गाइस, आई थिंक ये जो बात हुई है इसके बारे में हूएवर हैड टू मेक अ क्लैरिफिकेशन, द क्लैरिफिकेशन हैज़ बीन मेड। दिस वाज अ ट्रोलिंग एक्टिविटी, आई डोंट रिएक्ट टू ट्रोल्स एंड गिव एनी अटेंशन टू देम। व्हाटएवर हैपन हैज़ हैपन विद इन द गाइडलाइंस, व्हाटएवर विल हैपन विल ऑलवेज हैपन विद इन द गाइडलाइंस, सो लेट्स नॉट मेक अ बिग ह्यूमन क्राई अबाउट लिटरली दिस इज अ टॉपिक ऑफ एब्सोल्युटली नो सब्सटेंस एंड या वारुण हाय, you have been a consistent performer, like back to back all your films have been hits, the only youngster who has given all the hits, so now you must be hoping for a 200 plus grosser, and what do you expect from Sui Dhaga? See, you know, main ye hamesha kehta hu jab tak actor main aur main kabhi maine stake nahi liya hai film mein to ye 200 kare ya 300 kare paise to mere paas aane nahi wale, ye acha kare main wo chahta hu, logo ko pasand aaye मैं वो चाहता हूँ। और ऑब्वियसली जब भी आप एक फिल्म करते हो तो आपके दिल में ये चीज़ होती है कि यार फिल्म अच्छा करे, ऑब्वियसली, बट पैसों का मतलब मुझे तो नहीं मिलने वाले हैं, तो इनको मिलेगा ये आदमी मिलेगा, बट आदि इज डैम नाइस, ही गिव्स लाइक बोनस फॉर द फिल्म, तो शायद हो जाए तो मिल जाए, रोटी के लाले पड़ गए थे तो। वरुण एंड अनुष्का, स्लाइटली टुवर्ड्स योर राइट, दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम बुक माई शो। बहुत बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर द ट्रेलर, स्वीट भी है, इमोशनल भी है और टचिंग भी है। मेरा सवाल आपसे है, सिंस द टैगलाइन इज मेड इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं ऐसे हुआ कि योर प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग, मतलब जब आप शॉपिंग पे जाते हो तो आप देखते हैं कि जो हो सके इंडियन प्रोडक्ट्स हम ले, या डू यू रेकमेंड इंडियन प्रोडक्ट्स टू योर क्लोज वन समथिंग? यू टॉक फास्टर देन मी एंड वरुण आल्सो, है ना? सो योर टेक। Should I repeat myself? You know, honestly, I think ये फिल्में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ट्रेलर में भी दिखता है, जब वो बंदा मुझसे मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये मेड इन चाइना क्यों लिखा है इस पर, हम लोग नया बनाई तो इसे क्या मेड इन गाजियाबाद लिखूँ, तो कई लोगों के दिल में क्या कई लोगों के दिमाग में ये चलता है जब वो एक प्रोडक्ट देखते हैं और वो पढ़ते हैं मेड इन इंडिया, देन दे फील नहीं यार इधर से नहीं, मेड इन जर्मनी है या मेड इन चाइना है या मेड इन सम अदर कंट्री है तो ये अच्छा होगा, क्यों भाई? हम लोग मोस्ट एंड आई वॉन्ट टू से मोस्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जो भी गारमेंट्स होते हैं वो बनते इंडिया में हैं। इफ़ यू सी द लेदर जैकेट्स, यू सी गारमेंट्स ऑफ लॉट ऑफ बिग इंटरनेशनल लेबल्स, सब दे आर ऑल मेड इन इंडिया, हमारे कारीगरों ने बनाया, हमारे वर्कफोर्स ने बनाए, हमारे लेबर ने बनाया, एंड द रीजन वाई इंडिया इज सो गुड एट डूइंग दिस बिकॉज वी हैव स्किल्ड लेबर, वी जस्ट डोंट हैव लेबर, वी हैव स्किल्ड लेबर। जिस तरीके से वो लोग हैंडलूम में साड़ियाँ बनाते हैं चंदेरी की, आई हैव सीन इट बाई माई आईज, इट्स नथिंग लेस देन आर्ट, इट्स अमेजिंग। तो मैं हमेशा कहूँगा कि मेड इन इंडिया चीज़ें खरीदो, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही अच्छी होती है, एंड आई थिंक ये चीज़ गांधी जी ने कही थी उस वक्त और अभी भी आज के टाइम में भी इट होल्ड्स दैट मेड इन इंडिया इज़ द बेस्ट। सी बिकॉज एंड आई मेंशन दिस अर्लियर ऑल्सो, माई डैड वॉज इन द आर्मी राइट, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे विद इन इंडिया, एंड माई मम ऑलवेज हैड दिस हैबिट ऑफ पिकिंग अप लाइक लोकल हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के चीज़ें, एंड सो आई हैव बिन ऑलवेज एक्सपोज टू दैट, सो इवन वैन आई गो फिल्मिंग समवेयर, अगर मैं सपोज वेस्ट बंगाल में शूटिंग कर रही हूँ तो मुझे कांथा पिकअप करना है वहाँ से, यू नो, अगर मैं कहीं और पर जा रही हूँ तो अगर मैं श्रीनगर जा रही हूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे कोई फिरन काशीदार एम्ब्रॉयडरी मिल जाए तो मैं वहाँ से ले लूँगी, सो एक्साइटिंग भी होता है, आई एम श्योर ऑल गर्ल्स विल अग्री दैट यू वॉन्ट टू गेट दो साड़ीज एंड यू वॉन्ट टू गेट इट फ्रॉम वेयर इट इज़, एंड ये मैंने हमेशा से किया है एंड इट्स समथिंग दैट आई कंटिन्यू डूइंग, एंड एवरी वन must do that, like, you know, Varun has explained, and it's a very, very unique, you know, I guess the handlooms, our handicrafts, they're very unique to our country. Aur kahin pe nahi hota hai ye jo hota hai. And a lot of international designers actually use this art in their work. So I think we should take a lot of pride in it. And I guess hopefully with this film, people will understand, you know, what all goes into it and how difficult and how hard it is to make those sarees. One chanderi saree sometimes takes 25 days to make a saree. Imagine 25 days
That, yeah. और usually, you know, वो लोग कंप्यूटर में डिजाइन डालते हैं फिर आके वो सीक्वेंस आता है, बट ये लोग हाथ से डालते हैं सीक्वेंस वो पूरे हैंडलूम में. Only the design is computer generated. Nowadays. That too nowadays. पहले तो पूरा सब कुछ नंबर नंबर करके लिखा करते थे पहले. No, but I'll say, you know, मेरा बहुत छोटा एक्सपीरियंस है. मैंने एक शर्ट बनाई है, मैंने एक ब्लाउज बनाई है, एक पिलो केसिंग बनाई है ऑन अ सूइंग मशीन. इट्स नॉट ईजी यार. बहुत I mean obviously the tailors who been doing it for many years, वो लोग जल्दी जल्दी बना देते. they can make a shirt in probably an hour. वो लोग फटाफट बना देंगे perfect good shirt. but एक कला है उसमें, you know. आप जितना इनसीम रखते हो जब एक पैंट बना रहे हो, आप जितना मार्जिन रखते हो, और हमेशा आप इंडिया में देखोगे जब भी कपड़े बनते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ बनाते हैं लोग, बिकॉज पैसा नहीं है कि हमेशा जाके हम लोग कुछ खरीद ले. तो दे कीप द मार्जिन सो दैट अगर किसी का वेट बढ़े तो वो फिर यूज करके दे कैन कीप यूजिंग इट. लास्ट क्वेश्चन. सीक्रेट ऑफ टेलरिंग. सॉरी. हाय मैम. पहले हेलो तो बोलो यार मुझे. आप इतने सालों बाद मिले हो पिंक दुपट्टे में. शी इज माई फेवरेट. या मैम. ऑनेस्टली पहली बार जब मैंने किया मुझे दो दिन लगे थे. मेरे को एक सिटिंग में हुआ नहीं क्योंकि होगा ही नहीं ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज लर्निंग. मेरे साथ जो नूर भाई थे मेरे साइड थे और हमेशा कुछ पसंद नहीं ना है बेकार तो ऐसा रहे तो बोलो क्या करना है. तो ही एंड मी वुड कीप उनका ही जो बैंटर है उनका ही जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैंने फिल्म में भी डाला है. बट इट टुक मी टू डेज क्योंकि एक सिटिंग में मेरा कॉन्सेंट्रेशन यू नो जब आप वो सुई को वो बारीकी से आप देख रहे हो कि वही लाइन पे आप चलाओ या और जब ट्विस्ट करना पड़ता है ना शोल्डर स्पेशली शोल्डर जब जोड़ना पड़ता है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार. तो ऑनेस्टली मेरे को दो दिन लगे बट फिर मैंने एक शर्ट बना दी थी 3 घंटे में उसके बाद सीख के. लेट्स हैव फाइनल फोटो ऑफ एवरीवन. अनुष्का. हाय अनुष्का. हाय वरुण. दिस इलिका फ्रॉम पिंकविला. हाय. यू गाइस हियर. हाय. हाय. यू गाइस रिवील द लोगो. हाय बोल रहे हो उसके पीछे वाले. वो भी बोल रहा है. Okay, you guys revealed the logo last week and it was quite interesting where you guys brought in a lot of artisans from all over India. Okay, Anushka, you want to take a moment? Laughing only. Get over that guy. Like. So you Sorry. Got a lot of artists from all over India to, yeah. you know, reveal the logo. It was a very unique idea. Do we see the same during the promotions that you would want to collaborate with different, actually local artisans from... He's all here, by the way. All yes, the ones I know. You guys reveal it. So during the promotion also, till the film releases, are you going to collaborate with a lot of artisans, local artisans, and maybe promote their work also through this film? Firstly, credit goes to Vairav Marketing for coming up with this idea and actually to pull it off on such a large scale. The video was made so well, so it's actually visually also very pleasing. So yeah, credits to you guys, not only for that, even for the way the set has been made. So you can understand the belief that the studio has in this film, you know, going by that logo reveal video, going by the way the set has been made. So I'm actually very happy that everyone, all of us, the actors, the team that's worked on the film, the crew, the marketing, everyone has so much belief in this film. They're going to gift you all free clothes. No, I'm lying. Which Varun must have stitched to you all can wait for 4 years. Yeah, because I'll take 3 years. Let's have a final photo op, guys. Varun, Anushka, connecting to the question, promotion kis sir ka plan kar rahe hain aap log? Promotion? Answer hi nahi kiya wo question. Join both your answers. Aap bhi pooch lo fir. Uske saath hi hai na kuch question. Because we've got to know that you guys have given almost 40 days for the film's promotion and like it is not likely ki film stars, big stars like you give these free days for promotion. So how is it gonna be? I think क्योंकि जैसे ये प्रमोशन की बात आती है 40 दिन देन टीमिंग अप विद लोकल आर्टिस्ट. इट्स बिकॉज ये फिल्म का जो थीम है एंड हमारे टाइटल में लिखा है मेड इन इंडिया. इट्स अ वेरी बिग थिंग जब आप देश का नाम जोड़ते हो एक फिल्म के साथ. तो ये मैं और अनुष्का बहुत सीरियसली लेते हैं. तो 40 दिन इसलिए लिया है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं हम लोग आर्ट के साथ, कला के साथ, इंस्टॉलेशंस के साथ. अभी मैं बोलूँगा तो फिर बाद में सरप्राइजेस नहीं होंगे. लॉट ऑफ द इंस्टॉलेशंस और लॉट ऑफ द थिंग्स दैट वी डू we will be helped by local artists. So yeah, we are going to be helped by local artists, young and old. Haan ji sir, aap bolo. Aap sir, I am very good. Aap kaise ho? By the way, Bhayankar is trending right now worldwide. I am taking Bhayankar credit for Bhayankar trending worldwide as we speak. Haan ji.
lucky when I came in, I didn't, and then I read it and I'm like, wow. Sorry, sir. सर मैं तो फिल्म में मैं तो दुनिया में उतरते ही मुझे लगा कि मैं तो बहुत फैंटास्टिक हूँ लोगों को ये लगने में थोड़ी देर लग गई मैंने ये कहा था कि जब मेरे पास डेट नहीं थी करने के लिए बट जब मैंने ये फिल्म पढ़ी तो मैं मजबूर हो गया करने के लिए बिकॉज इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट मैं इतना दयालु नहीं हूं क्यों नहीं हो यार इतना लंबा आंसर दिया था मेरे पास डेट नहीं थी ये फिल्म करने के लिए जब मैं अंदर घुसा था कि दोनों फिल्म नहीं करना चाहते मैं हमेशा से सुई धागा करना चाहता था मेरे पास डेट नहीं थी पर जब मैंने पढ़ा मैं मजबूर हो गया इनकी लेखिका पढ़ के क्या बेहतरीन खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये लिखा था ये फिल्म तो मजबूर हो गया फिल्म करने के लिए और मैं इतना दयालु नहीं था कि मैं इतनी अच्छी स्क्रिप्ट किसी और एक्टर को दे दूं तो मैंने छीन ली ओके गाइस लवली 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 क्वेश्चंस आई थिंक वी लव द फाइनल फोटो ऑप नाउ वरुणियाक्स आई लव यू ऑल आई लव ऑल यू गाइस जो वरुणियाक्स है आई लव यू ऑल और जो दूसरे एक्ट आई आल्सो लव वरुणियाक्स आई वांट ऑल टू आई एम अ ग्रेट लवर ऑफ वरुणियाक्स इवन आई लव द अनुष्का एक्ट्स